ताल्लुक पढ़ा, एटम और एविडेंस ऑफ एटम। अब हमारा लेक्चर नंबर 4 है आयन। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप जानते हैं कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल पार्टिकल क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भी इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड भी किए जा सकते हैं और रिमूव भी किए जा सकते हैं। अब अगर किसी एटम के बारे में हम ये कहते हैं कि वो न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद आपस में इक्वल है। अब अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं, तो प्रोटॉन की निस्बत इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी और प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज वाला ये पार्टिकल आयन कहलाएगा। और इसी तरह से अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने से उस पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये चार्ज वाला पार्टिकल भी आयन कहलाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसको आयन कहा जाता है। तो डेफिनेशन देखेंगे आयन की। आयन पॉजिटिवली आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखने वाला पार्टिकल आयन कहलाता है। अब आयन की एग्जांपल आगे हम इसकी टाइप्स में पढ़ेंगे। तो जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन, चार्ज रखने वाले इस पार्टिकल को आयन कहा जाता है। इसका मतलब आयन टू टाइप का है, एक वो आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा वो जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहले को हम कहते हैं केटाइन। केटाइन का मतलब है कैथोड लविंग आयन। कैथोड लविंग आयन, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, सेल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। अब केटाइन कैथोड लविंग आयन है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के दौरान जो आयन कैथोड की तरफ मूव करता है उसे हम क्या कहेंगे? केटाइन कहेंगे। अब कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन सा आयन जाएगा? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड केटाइन। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड केटाइन, यानी ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे केटाइन कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एटम, सोडियम को मैं साथ जी लिख रहा हूं, यानी गैसियस एटम है। अब सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2-8-1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। 2-8-1 का मतलब है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब 2-8-1 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, सलाहियत रखता है। आप लोगों ने एक ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा कि हर एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। अब सोडियम एटम को ले लें, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो इसके लिए इजी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम पर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा
इसने वन इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया, ये वन ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखते हैं। अब बेटा देखें, जब सोडियम में 11 प्रोटॉन है प्लस 11 चार्ज मैंने लिखा और 11 इलेक्ट्रॉन है माइनस 11, तो ओवरऑल चार्ज क्या बनता है? जीरो। तो सोडियम न्यूट्रल आइटम जब होगा तो उस पर जीरो चार्ज होगा क्योंकि उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। अब जब आप वन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 10। तो प्रोटॉन वही 11 है प्लस 11 और माइनस 10 क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गए क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया। बाकी हमारे पास क्या बचता है? प्लस 1 बचता है, तो सोडियम आयन पर प्लस 1 चार्ज आएगा, ये गैसियस आयन होगा। तो अब आप देखें किसी भी एटम से जब हम वन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो उस पर वन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 12 है तो ये भी हम गैसियस एटम लेंगे, 12-2-8-2 कॉन्फ़िगरेशन यानी वैल्यू सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और प्लस 2 चार्ज आएगा। अब आप देखें ये मैग्नीशियम गैसियस आयन बन गया, प्लस 2 चार्ज आ गया। एल्यूमिनियम गैसियस एटम लेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-8-3 है, एटॉमिक नंबर इसका 13 है, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 13 है। तो जब एल्यूमिनियम अपने वैलेंस शेल वाले यानी आउटर मोस्ट शेल वाले 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एल्यूमिनियम पर प्लस 3 चार्ज आ जाएगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, ये गैसियस आयन बन गया। तो बेटा देखिए किसी भी एटम में से हम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उस पर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 चार्ज आ जाता है। तो जनरली हम इस तरह से कहते हैं, अगर ये M है, M फॉर एनी एलिमेंट, M फॉर एनी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है तो M पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जब आप इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 3 पॉजिटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल में से 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें तो उस पर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 चार्ज आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? केटायन कहेंगे। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हाउ केटायन इज फॉर्म, केटायन कैसे बनता है। अब देखिए केटायन किस तरह से बना, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यूं भी कह सकते हैं केटायन के बारे में, द आयन विच इज फॉर्म बाय removal of electrons from an atom is called cation। cation किसे कहेंगे? कि ऐसा आयन जो कि किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से बनता हो उसे हम cation कहते हैं। तो cation पर कितना चार्ज हो सकता है? केटाइन मे कंटेन प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3 चार्ज। केटाइन पर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 चार्ज हो सकता है। अब आप बेटा देखें, पहले मैंने आपको कहा कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। जब अपोजिट चार्ज है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में खास अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद होती है। अब अगर हमें किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, निकालना है, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स के मुताबिक, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स के मुताबिक हमें एनर्जी भी देना पड़ेगी। इसका मतलब कि केटाइन फॉर्मेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक हम एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देते। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसे प्रोसेस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती हो। तो हम कह सकते हैं केटाइन फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इस
केटाइन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमारा जो नेक्स्ट आयन है उसे हम कहते हैं एनायन। एनायन मीन एनोड लविंग आयन, एनोड लविंग आयन। अब एनोड क्या होता है, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि सेल्स में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहा जाता है। अब एनोड लविंग आयन यानी वो आयन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के दौरान एनोड की तरफ मूव करता है, तो अब एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन सा आयन जाएगा, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं एनोड जो है एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन, यानी नेगेटिव चार्ज रखने वाला पार्टिकल एनायन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए बेटा, फ्लोरीन गैसियस एटम 2-7 कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का, 2-7 कॉन्फ़िगरेशन, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो क्या ये 7 लूज करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके लिए आसानी है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या बन जाएगा, एफ नेगेटिव 1, यानी फ्लोराइड आयन बन गया। क्या बन गया, फ्लोराइड आयन। अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी करें, फ्लोरीन एटम जब न्यूट्रल है इसमें 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, 0, यानी 9 प्रोटॉन प्लस 9 चार्ज हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन माइनस 9, तो ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। लेकिन जब आप 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10, तो अब 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 चार्ज आना चाहिए, यानी फ्लोराइड आयन पर हमने माइनस 1 चार्ज लिख दिया। इसी तरह से ऑक्सीजन गैसियस एटम है, ऑक्सीजन की कॉन्फिगरेशन 2-6 है, लिहाजा यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये ओ नेगेटिव 2 ऑक्साइड आयन बन जाएगा। नाइट्रोजन गैसियस एटम है, इसकी कॉन्फिगरेशन 2-5 है, तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, एन नेगेटिव 3। तो आप देखें फ्लोराइड ऑक्साइड नाइट्राइड ये क्या है, एनायंस है। तो उसी तरह से जनरल एग्जांपल ए प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये ए नेगेटिव बन गया हमारा एनायन। अब जैसे वहां मैंने एम लिखा था एनी एलिमेंट, तो ए फॉर एनी एलिमेंट, अब किसी भी एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस पर माइनस 1 चार्ज आ जाता है। तो जैसे केटाइन के लिए हमने कहा था द आयन विच इज फॉर्मड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखें इसकी जो सेकंड डेफिनेशन हम लिखेंगे, हाउ एनायन इज फॉर्मड, हाउ एनायन इज फॉर्मड, द आयन विच इज फॉर्मड बाय gain of electrons in an atom is called anion, यानी ऐसा आयन जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन होने से बनता हो, इलेक्ट्रॉन ऐड होने से बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं, anion। अब बेटा देखें anion इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनता है, तो एन एनायन में कंटेन -1, -2, -3 चार्ज, कि एनायन पर -1, -2, -3 चार्ज हो सकता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उस एटम पर -1, -2, -3 चार्ज आएगा, तो ये माइनस चार्ज रखने वाले आयन को हम एनायन कहते हैं। अब यहां एक शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूनी
negative ion is an exothermic process. सबसे पहली बात, यूनि नेगेटिव आयन का मतलब क्या है? यूनि का मतलब होता है वन. यूनि का मतलब क्या है? वन. यूनि नेगेटिव आयन यानी ऐसा आयन जिस पर माइनस वन चार्ज हो. अब माइनस वन चार्ज कैसे आता है? बाय द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. जब कोई भी न्यूट्रल एटम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस पर माइनस वन चार्ज आ जाता है. और माइनस वन चार्ज वाला जो आयन होगा उसकी फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इस दौरान एनर्जी इवॉल्व होती है. तो अब अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाई, क्यों है ऐसा, तो आप यहीं से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज given out during addition of first electron at the valence shell of an isolated गैसियस एटम. कि जब भी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस दौरान एनर्जी इवॉल्व होती है, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन या थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं फिर ये एंडोथर्मिक बन जाता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है. इसकी रीजन क्या है ये हम अगले किसी लेक्चर में पढ़ेंगे. अब यहां हम लोग कह सकते हैं कि सम आयंस कंटेन्स ग्रुप ऑफ एटम्स. कि कुछ आयंस ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम कंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन. इसी तरह से SO4 नेगेटिव 2 सल्फेट आयन, NO3 नेगेटिव 1 नाइट्रेट आयन, OH नेगेटिव 1 हाइड्रोक्साइड आयन, EDC. तो अब बेटा देखें कि यहां पे कुछ ऐसी एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हैं, इन्हें रेडिकल्स कहा जाता है. अब ये केटायनिक रेडिकल है और ये एनायनिक रेडिकल है. तो यहां मैंने एग्जांपल में भी एनायनिक रेडिकल्स की एग्जांपल ज्यादा लिखी जानबूझ के. रीजन ये है कि एनायनिक रेडिकल्स आर अबंडेंट, एनायनिक रेडिकल्स आर अबंडेंट ड्यू टू their stability, अपनी स्टेबिलिटी और लेस रिएक्टिविटी की वजह से ये एनायनिक रेडिकल्स अबंडेंट होते हैं, कसरत से पाए जाते हैं, ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं. इसके अलावा आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. अब अगर कार्बन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कार्बो केटायन कहेंगे और नेगेटिव चार्ज वाले को हम कार्ब एनायन कहेंगे. अल्लाह हाफिज़.